today we are going to do the question bank. Question bank means we are here doing the numericals of national income from all the three methods, whether it is income method, expenditure method or value added method. First I'll make you remind the formula of all the three and then I'll continue with the numericals, right? So dear students, let us start with the formula of expenditure method. Expenditure methods formalize private final consumption expenditure, gross domestic capital formation, government final consumption expenditure and net exports. So we have to keep in mind, if gross is given here, then here GDP at MP will come. If here net is given here, then it is NDP at MP. Inko plus karke GDP at MP aayega, depreciation minus karenge, NFIA plus karenge, NIT minus karenge, to hamara national income nikal ke aa jayega, NNP at MC. वही अभी नेट वाली बात आ गई जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पे नेट होगा तो एनडीपी एट एमपी निकल के आएगा और जब ये ऑलरेडी नेट में है तो डेप्रिसिएशन का हमारा कोई भी काम नहीं है, राइट? डेप्रिसिएशन हमारा कोई काम नहीं है. देन एनएफआईए ऐड करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे तो हमारा एनएनपी एट एफसी निकल के आ जाएगा. लेट्स कम टू द इनकम मेथड. इनकम मेथड में सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. सीओई ये हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम दे रखा है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट और यूएलटी, ये दोनों मिलाकर हमारे क्या बन जाते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस. तो ये हमारा क्या हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस. इन सबको ऐड करके हमारा निकल के आता है डोमेस्टिक इनकम, दैट मीन्स एनडीपी एट एफसी. ऑब्वियसली जब नेट में भी है, फैक्टर कॉस्ट में भी है, तो हमें सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, वी ओनली ऐड एनएफआईए एंड वी विल गेट नेशनल इनकम, दैट मीन्स एनएनपी एट एफसी. लेट्स कम टू द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. सेल्स ऑफ ऑल फोर फैक्टर्स प्लस चेंज इन स्टॉक, इन दोनों को सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करके हमारा आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है? और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या फिर इसको हम बोल देते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनएफआईए प्लस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एनएनपी एट एफसी, दैट मींस नेशनल इनकम, ठीक है? फॉर्मूलाज आपको क्लियर हुए. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. इनकम मेथड का मैं आपको अभी सिर्फ इसके साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगी, प्लस आपको पीछे सॉल्यूशन दिखाऊंगी, क्योंकि सॉल्यूशन इसके साथ सेम स्क्रीन पे नहीं आ सकता था, सेम उसमें नहीं आया स्लाइड में, इसीलिए नेक्स्ट में है, बट स्टिल मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी. इनकम मेथड में क्या होता है? सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इन सबको ऐड करके हमारा निकल के आता है एनडीपी एट एफसी. जीएनपी एट एफसी निकालना है तो नेट से ग्रॉस पे जाना है, दैट मींस ईबीआर टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी निकाल कर नेट से ग्रॉस पे जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस एनआईटी का कोई काम नहीं है, बस इतना फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारा जो है जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट हो जाएगा इनकम. एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा जीडीपी एट एमपी निकल के आता है. अब यहाँ पे हमें क्योंकि क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो हमारा निकल के आएगा एनडीपी एट एफएमपी, तो ये हमारा निकलेगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन विच इज गिवन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ये सब ऐड करने के बाद एनडीपी एट एमपी आएगा और फिर हमें जीएनपी एट एफसी तक जाना है, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी. तो ये थे इसके फॉर्मूलाज जो आप लगाएंगे. इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ, या मैं इसको बहुत स्पीडली इसलिए कर रही हूँ, इसका कैलकुलेशन आप खुद करेंगे. जो ये क्वेश्चन मैंने दिया है इसको आप पॉज करके वीडियो में उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन आप खुद करेंगे और उसके बाद आप इस आंसर के साथ मैच कीजिएगा वेदर योर आंसर इज करेक्ट और नॉट. तो सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, को हमारा क्या निकल के आता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो डेप्रिसिएशन हमने ऐड किया क्योंकि ग्रॉस में जाना है, एनएफआईए ऐड किया क्योंकि नेशनल में जाना है, और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस एनआईटी. सेम ईयर सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई. ओएस के अंदर ये हमारी चार चीज़ें आ जाती हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है जिसमें रॉयल्टी गिवन नहीं है, मिक्स इनकम गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो सीधे आगे एनडीपी एट एफसी, और नेट से नेस्ट में नेट से क्रॉस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए, फैक्टर कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट, एनआईटी नॉट एप्लीकेबल. आंसर दोनों दोनों मेथड से सेम आना चाहिए.
नेक्स्ट प्रॉब्लम सेम ईयर. अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें बहुत समझने की बात है, यहाँ दे रखा है इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालना है. तो हम सबसे पहले करते हैं कंपनसेशन एम्प्लॉइज प्लस ओएस प्लस एमआई. तो अभी यहाँ पे कंपनसेशन एम्प्लॉइज है कि गिवन ए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय द गवर्नमेंट. तो जब भी हमेशा लिखा पेड बाय द गवर्नमेंट तो ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज हमारा नेशनल इनकम इनकम मेथड में नहीं आता है. ठीक है, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज इनकम मेथड में क्या क्या चीजें आती है, वेजेस एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ये दो चीजें हमारी सीओई का पार्ट बनेंगी. अब ये जो सीओई गिवन है ये कहाँ जाएगा, पेड बाय द गवर्नमेंट है तो ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन में आपको गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑलरेडी गिवन है तो आप उसका कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है. बच्चे क्या गलती करते हैं, कंपनसेशन एम्प्लॉयज देखते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ना, हमें ये नहीं करना. पेड बाय द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है और जब आपको ये कम्प्लीटली गिवन है तो उसके पार्ट को आप दोबारा ऐड नहीं करोगे. बस इसके अंदर यही नई चीज़ थी, बाकी सब पुराना है. जैसे कि आप करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्यूशन आगे दे रखा है, आप इस सॉल्यूशन को मैच कीजिएगा. पहले आप सॉल्यूशन खुद कीजिएगा इसका और फिर इसके बाद मैच कीजिएगा एक्सपेंडिचर मेथड से और इनकम मेथड से. दोनों मेथड्स के सॉल्यूशन भी आपको सामने वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं. ध्यान रखिएगा कि दोनों के जो आंसर्स हैं वो सेम ही आने चाहिए. ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन लिखिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिए, सॉल्यूशन सामने मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है. थर्ड क्वेश्चन आ जाता है जीडीपी एट एमपी बाय इनकम मेथड और नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. इनकम मेथड से आपको निकालना है जीडीपी एट एमपी. सेम वही आप करेंगे, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, इससे निकल के आएगा आपका एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एफसी से आपने कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी पे. तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक है कुछ नहीं करना. प्राप्त कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है प्लस एनआईटी, तो आपका जीडीपी एट एफसी निकल के आ जाएगा. और नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड सिंपल है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है ना, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन. जब देखो जब कुछ भी डोमेस्टिक भी गिवन नहीं होता तो हम इसे कंप्लीट ही मान के चलते हैं. तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, तो दैट मीन इसके नाम चेंजेस को अवॉइड नहीं करोगे, गलती मत करना क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं गिवन है. ठीक है, और नेट एक्सपोर्ट इन सबको ऐड करके आपका जी डी पी एटम किया जाएगा. फिर माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन आई टी प्लस एन एफ आई ए करके आपका नेशनल इनकम निकल जाएगा. इसका भी सोल्यूशन एक बार मैं आपके सामने रख देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसका सोल्यूशन आप ईजिली देख सकते हैं. यहाँ फॉर्मूला पूरा लिखा हुआ है. ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने आपको पहले, मैं अभी स्पीड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको पहले करा चुकी हूँ. इसको आपको खुद प्रैक्टिस करना है, बट प्रैक्टिस करते हुए आपकी क्या मिस्टेक है वो आप इस सॉल्यूशन से चेक करेंगे. अदरवाइज सॉल्यूशन यहाँ पे देने का मेरा कोई और मोटिव नहीं है. रीजन भी अभी आपको खुद को प्रैक्टिस करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप पॉज करके नोट करेंगे अपनी नोटबुक में. अब ये लिखा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाई ईच सेक्टर. यहाँ पे आपको सेक्टर ए दे रखा और बी दे रखा, तो आपको वैल्यू एडेड बाई ए फॉर्म अलग निकालना है, बी अलग निकालना है, फिर इन दोनों को ऐड करके आपका आ जाएगा जी डी पी एट एम पी और उसके बाद आप नेशनल इनकम निकाल सकते हो एन एम पी एट एफ सी. ठीक है, तो पहले वैल्यू एडेड ए का अलग निकलेगा, दैट मीन सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आई सी ए के लिए, ऐसे ही सेम बी के लिए निकलेगा. तो ए की सेल्स बाय फर्म ए ये दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ये दे रखा है, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 50 माइनस 100 माइनस 50, इसका चेंज इन स्टॉक हो गया, दैट मींस 1000 प्लस माइनस 50 माइनस आईसी. आईसी क्या है, जो इसकी परचेज है, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए कितना है 500. इस फॉर्मूले से आपका ए का वैल्यू एडेड आ जाएगा, बी का आ जाएगा 2000, चेंज इन स्टॉक बी का सीधे सीधे दे रखा है माइनस 200 और बी का रॉ मटेरियल कितना है 600. ठीक है, तो इससे आपका बी का निकल आएगा और इन दोनों का ऐड करके आपका जी डी पी एट एम पी आ जाएगा. फिर आप अपना डेप्रिसिएशन एन आई टी और एन एफ आई ए का यूज़ करके आप अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको आप एक बार सामने देख लो, दोनों फॉर्म का सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रखा है, फिर दोनों का ऐड किया बाय ए एन बी 1650, ये दोनों को ऐड कर दिया ए का और बी का, डेप्रिसिएशन एन एफ आई एन आई टी यूज किया और एन एम पी एट एफ सी आ गया. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक है हमारे पास,
ये क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी एट एमपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखो क्या क्या चीज़ें गिवन है, कौन से मेथड आपको यूज करना है। सबसे पहले करंट ट्रांसफर्स हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एनआईटी। तो देखो अब आपका यहाँ पे दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और आपको दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमें ये दो चीज़ें जो गिवन है ये एक्सपेंडिचर मेथड की गिवन है, बट बाकी और कोई भी चीज़ एक्सपेंडिचर मेथड की गिवन नहीं है। तो ये सॉल्व होगा इनकम मेथड से, सबसे पहली चीज़। दूसरा फिर ये हमें गिवन क्यों है, दोनों चीज़ें सेम है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक नेट में और एक ग्रॉस में है। तो अब देखो हम इससे, इसकी हेल्प से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डेप्रिसिएशन कहीं पे भी गिवन नहीं है, हमें जीरो नहीं लेना। यहाँ हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कहाँ, ये तो फिक्स्ड है, प्लस टेन इन स्टॉक करेंगे, दैट मीन 700 प्लस 50 माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 650। तो 750 माइनस 650 आपका 100 आ गया डेप्रिसिएशन। तो ये जो चीज़ें होती है ये इंटरनली हमको गिवन होती है, जिसके अंदर से हमें छुपी हुई चीज़ निकालनी है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड था वो डेप्रिसिएशन निकालना ही था, प्लस NFI फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला है, टू अब्रॉड इज गिवन, तो हम NFIA निकाल सकते हैं। NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, हमें टू अब्रॉड इज गिवन, ठीक है, और फीफा हमसे पूछा है। अगर हम NFIA कैलकुलेट कर लें, NFIA कैलकुलेट कर लें, बिकॉज NFIA इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड नेशनल। ठीक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो सबसे पहला आ जाता है, आप ये देखो COE प्लस MI, MI नहीं दे रखा, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट ये सब लगा के इनकम मेथड से हमने NTP FC निकाल लिया 2700। NFIA नॉट एप्लीकेबल क्योंकि दे ही नहीं रखा है। डेप्रिसिएशन हमने 100, अभी मैंने आपको निकालना सिखाया डेप्रिसिएशन कैसे निकाला था, 100 आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन कैसे निकला ये 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 750 कैसे, फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके, माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 100 जो हिडन हम था हम लोगों ने निकाला, NIT लगाया, GDPI टेम्पी आ गया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी निकालना है। GDPI टेम्पी हमने कितना निकाला, आप एक बार अगर क्वेश्चन देखो तो GDPI टेम्पी हमने NFIA का हमने कोई यूज़ नहीं किया, तो डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही रहा, नेट से ग्रॉस में गया तो प्लस हमने कर दिया इसे प्लस 100। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गया तो प्लस NIT 2700 में ये दोनों ऐड करके 3050 आ गया हमारा GDPI टेम्पी। तो अब देखो यहाँ पर GNPI FC GDPI FC फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 2800। अब ये कुछ वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्वेश्चन देखोगे एक बार तो क्वेश्चन में कौन कौन सा हमको डेटा गिवन है, अब आप ये देखो सबसे पहले क्वेश्चन में हमको गिवन है GNPI FC, आप इसको ध्यान से देखो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट 2800 GNPI FC। ठीक है, क्या और कुछ गिवन है, नहीं, GNPI FC गिवन है और GDPI MP हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको आप आगे देखो, GNPI FC 2800 हमें गिवन है, GDPI FC 2800, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 120। अभी देखो इसको जब हम 120 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 2680 हो जाएगा, और 2680 को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में जाके फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। इसके बाद फिर से देख लीजिए, GDPI MP हमारा कितना आया था 3050, तो 2800 ही हमने यहाँ पे क्यों लिखा, GDPI FC है ये। ठीक है, ये हमारा GDPI MP था, तो MP से FC में कन्वर्ट करने के लिए माइनस NIT किया, तो माइनस करने के बाद हमारा कितना आ गया 250, माइनस करने के बाद 2800 आ गया। ये माइनस का 120 हमें गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इसमें से माइनस किया 2680 इधर लेके गए, 120 ये बचा हमारा क्या इधर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, क्योंकि जब हमने ग्रॉस और ग्रॉस सेम कर लिया, फैक्टर का सेम कर लिया, डिफरेंस सिर्फ डोमेस्टिक और नेशनल का है, वो क्या है NFIA प्लस NFIA करते हैं। NFIA का फॉर्मूला है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड हमसे पूछा गया, टू अब्रॉड की वैल्यू हमने लगा दी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।